ये योद्धा हैं, वीरांगना हैं, भारतीय फौज की पराक्रमी रणबालाएं हैं। खौफ इनके आगे टिक नहीं सकता, कोई चुनौती इन्हें हरा नहीं सकती। रेगिस्तान के रण से लेकर सियाचिन के बर्फीले तूफान तक का ये डटकर मुकाबला कर रही हैं। खतरनाक हथियारों के साथ चलना इनकी आदत है, खतरनाक विस्फोटकों के बीच रहना इनकी फितरत है। बड़े बड़े नौसैनिक जहाजों के बाद हेलीकॉप्टरों को साधने के बाद अब वो दिन भी दूर नहीं जब लड़ाकू विमान इन्हें झुककर सलाम करेंगे। ये तैयार हैं दुश्मन को हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और इस पर मुहर खुद तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी लगा चुके हैं। देश बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। एक दशक पहले तक फौज में महिलाओं की पहचान सिर्फ डॉक्टरों तक सीमित थी, लेकिन अब तीनों सेनाओं में नारी शक्ति पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर मुकाबला कर रही है, कई क्षेत्रों में पुरुषों को हरा तक रही है। देखिए महिला दिवस पर IBN 7 की खास पेशकश, भारत की रणबालाएं। नमस्कार, खबरों में खास में आपका स्वागत है, मैं हूं आकाश सोनी। महिला दिवस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास पेशकश, भारत की रणबालाएं। वो योद्धा जो जंग के मैदान में दुश्मन से देश की हिफाजत करती हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कड़ी ट्रेनिंग लेने के बाद इन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी OTA। देखिए कैसे अपनी जिंदगी के सबसे कठिन इम्तिहान को आसानी से पार करती हैं रणबालाएं। एक्शन टू रिपोर्टिंग। रिजन कमांडो, टू कंपनी कमांडो। देश की शान, भारतीय फौज की शान, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। देश के अलग अलग कोनों से चुनी गई ये लड़कियां कठिन इम्तिहान पास करने के बाद यहां तक पहुंची हैं, लेकिन अब अगले 49 हफ्तों में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। अगले 49 हफ्ते उनकी जिंदगी बदलने जा रहे हैं। एकेडमी में पहुंचने के बाद लड़के हों या लड़कियां, सभी को बिना भेदभाव अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है। फौज में बहुत ही मशहूर माने जाने वाले हेयर कट के बाद इन लड़कियों को मिलता है नया अवतार, नई पहचान। As they say that no guts, no glory. Yes, this is the place, this is it. This is the place where you get to have a dream life come true. Officers Training Academy में लड़के और लड़कियों को अलग अलग ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, लड़कियों को भी उतनी ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, उतनी ही मुश्किल चुनौतियां पार करनी होती हैं, जो लड़के झेलते हैं। ट्रेनिंग के शुरुआती हिस्से में इन्हें शारीरिक फिटनेस की ट्रेनिंग दी जाती है। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि एकेडमी में ट्रेनिंग लेने वाली हर लड़की को इस दौरान 20 किलो वजन के आधुनिक हथियार के साथ कम से कम 35 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। इसमें कोई रियायत नहीं की जाती, और शायद यही वजह है कि OTA की फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग पूरी दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है। ये ट्रेनिंग लड़कियों को फौलादी हौसला ही नहीं देती, उन्हें मानसिक तौर पर भी हर लड़ाई के लिए तैयार करती है। वो
We didn't know we could run 30-35 kilometers with a pitu and a rifle. But now having completed that, it seems to be not an uphill task. The training has made me realize my potentials. Whether it's running, whether it's doing physicals, whatever, in every field, it has enhanced me. फौज का एक मंत्र है, ट्रेनिंग के दौरान जितना ज्यादा पसीना बहेगा उतना ही जंग के मैदान में खून कम बहेगा। इस मंत्र पर चलते हुए ओटीए में महिला कैडेट्स को पूरी कॉम्बैट किट पहनकर हर तरह की ट्रेनिंग से गुजरना होता है। उन्हें हर तरह के आधुनिक हथियार चलाना सिखाया जाता है। वेपन और टैक्टिकल ट्रेनिंग 49 हफ्ते के कोर्स का अहम हिस्सा है। इसे पूरा करने के लिए आउटडोर रियलिस्टिक कैंप लगाए जाते हैं, जहां रात में भी कड़ा प्रशिक्षण होता है। एक्शन टू रिपोर्टिंग। इधर कमांडो, तू कंपनी कमांडो। जंग के मैदान में जिस तरह का माहौल होता है, उसमें इन लड़कियों को किसी भी स्थिति से निपटना पड़ सकता है। जंगलों में अकेले रहना पड़ सकता है, दुश्मन पर अकेले धावा बोलना पड़ सकता है। यहाँ इस ट्रेनिंग के बाद ये लड़कियाँ ऐसी किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम होती हैं। Before joining the academy, most of the lady cadets have not faced the kind of mental and physical challenges the army life demands of you. Here, the training is so formulated to transform them physically and more so mentally. ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग की ऐसी तस्वीरें हमें अक्सर फिल्मों में ही दिखाई देती हैं। बेहद ही मुश्किल, इंसान के हौसले को मजबूत करने वाली ट्रेनिंग। चाहे जितनी ऊंचाई हो, चाहे जितनी बड़ी बाधा हो, अगर कोर्स कामयाबी के साथ खत्म करना है तो इस पड़ाव को पार करना ही होता है। आपके लिए ये जानना बेहद अहम है कि देश में 1200 से ज्यादा लड़कियां इस एकेडमी में ऐसी ही ट्रेनिंग लेकर अफसर बन चुकी हैं। The 6 months of training has instilled in me a deep sense of pride and the motivation to take the challenges ahead. And I'm prepared for it. OTA में लड़कियों को ट्रेनिंग की शुरुआत 1992 में हुई थी। जंग के मैदान पर हर मोर्चे के लिए तैयार होने के अलावा इन्हें पढ़ाई भी करनी होती है। एकेडमी में रक्षा से जुड़ी किताबी दांव पेज भी सिखाए जाते हैं। कोर्स पूरा होने के बाद इन्हें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि सुबह 4 बजे से शुरू होने वाली इतनी कठिन ट्रेनिंग के बाद कैडेट्स को चंद सेकंड भी अपने लिए मिल पाते होंगे या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मजबूत मानसिक विकास का अहम हिस्सा मनोरंजन भी है और उसकी भी यहाँ कोई कमी नहीं है। एकेडमी में बराबरी का सिद्धांत पहले से आखिरी दिन तक रहता है। शहीदों को सम्मान के वक्त भी जिम्मेदारी महिला और पुरुष कैडेट दोनों को एक साथ निभानी होती है। 49 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद सबसे खुशनुमा मौका तब आता है जब पासिंग आउट परेड होती है। एक सामान्य कैडेट से अफसर बनने तक का सफर इन लड़कियों के लिए जिंदगी भर यादगार रहता है। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। आज ही वायुसेना प्रमुख ने देश को खुशखबरी दी है कि इस साल 18 जून को 3 महिला फाइटर पायलट्स को कमीशन दिया जाएगा। सरकार ने कुछ महीनों पहले ही इसकी इजाजत दी थी। वायुसेना और नौसेना में कुल मिलाकर इस वक्त 2000 महिला अफसर हैं। 6 महीने से लेकर साल भर तक चलने वाली कड़ी ट्रेनिंग में ये पुरुष कैडेट्स के साथ मुकाबले में किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं पड़ती। सुखोई भारतीय वायुसेना का सबसे घातक विमान, 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, 8000 किलोग्राम हथियारों से लैस सुखोई उड़ता है तो दुश्मन इसके आसपास भी फटकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। देश के सबसे बेहतरीन पायलट्स को ही सुखोई उड़ाने का मौका मिलता है।
लेकिन जल्द ही वो वक्त आने वाला है जब आप सुखोई जैसे घातक फाइटर प्लेन्स पर महिला पायलट को देखेंगे। महिला दिवस पर एयर चीफ मार्शल ने ऐलान किया है कि इसी साल 18 जून को भारत को उसकी पहली महिला फाइटर पायलट मिल जाएगी। भारतीय वायुसेना में अब तक महिला पायलट भारी ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर ही उड़ाती रही हैं। अब लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए 3 महिला पायलटों को डुंडिगल में एयरफोर्स एकेडमी में कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। यही वो एकेडमी है जहां से अब तक 1331 महिला कैडेट्स वायुसेना की अफसर होकर निकली हैं। इनमें से कुछ फ्लाइंग ब्रांच में गई हैं, तो कुछ एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, बाकी ऑफिसर्स ग्राउंड ड्यूटी में जुटी हैं। 1 साल की ट्रेनिंग में यहां पर लड़कियों को हवाई युद्ध की बारीकियां सिखाई जाती हैं और साथ ही शारीरिक मानसिक तौर पर जंग के मैदान में मुकाबले की ट्रेनिंग दी जाती है। अब फाइटर पायलट बनने का मौका मिलने पर महिला पायलट्स के चेहरे की खुशी साफ पड़ी जा सकती है। इन फ्यूचर एनी फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर दैट मैटर व्हाटएवर द इंस्टीट्यूशन वांट्स अस टू गो फॉर व्हाटएवर इज द रिक्वायरमेंट आई वुड लव टू फ्लाई एनी ऑफ द एयरक्राफ्ट्स इन द फाइटर फ्लीट्स। द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से इज ड्रीम बिग एंड वर्क फॉर इट। इफ यू रियली विश टू डू समथिंग ऑल द वेज विल ऑटोमेटिकली ओपन फॉर यू। एम था, कुछ फैमिली का सपोर्ट था, मोटिवेशन था, इंस्ट्रक्टर्स का मोटिवेशन था एंड सब चीजों ने अल्टीमेटली एक गोल सेट किया एंड फाइनली आई वर्क्ड टू अचीव इट। लेकिन सरहद की सुरक्षा सिर्फ जमीन और आसमान पर ही नहीं, विशालकाय समंदर में भी करनी होती है। इसके लिए केरल में एशिया की सबसे बड़ी नेवल एकेडमी में महिला कैडेट्स को भी प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक नेवल एकेडमी से 525 महिला अफसर ट्रेनिंग लेकर देश की जल सीमा की सुरक्षा में लगी हैं। महिला दिवस पर सिर्फ महिला क्रू की कमान में INS-5 माधेई ने वाइजैक से लेकर गोवा तक का रास्ता समंदर से तय किया। ये भी अपनी तरह का पहला रिकॉर्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महिला दिवस पर हमारी खास पेशकश, भारत की रणबालाएं। आज हम जितना भी गर्व कर लें, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि सेना के तीनों अंगों में महिलाओं की तादाद बहुत कम है। आजादी के बाद सेनाओं पर एक तरह से पुरुषों का ही एक छत्र राज रहा है और ऐसे में महिला योद्धाओं के लिए चुनौतियां आज भी कम नहीं है। बीते साल 26 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर की कमान संभालने वाली विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने सभी का ध्यान खींचा। इसी साल आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब गणतंत्र दिवस की परेड में तीनों सेनाओं की तरफ से महिला दस्तों ने राजपथ पर मार्च किया। ये तस्वीरें देखकर हर कोई गर्व से भर उठा। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि हमारे देश में महिला योद्धाओं के लिए चुनौतियां कम नहीं। भारत की सशस्त्र सेनाओं में महिला अधिकारियों की संख्या अब भी 5-6% से ज्यादा नहीं, जबकि दुनिया की सबसे आधुनिक समझे जाने वाली अमेरिकी सेना में यह आंकड़ा 14% से ज्यादा है। आतंक के मामले में हम पाकिस्तान को चाहे जितना कोसें, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि महिला पायलटों के मामले में उसने भारत को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तानी फौज में 1947 के बाद से ही महिलाओं को अहम जगह दी जाती रही। जंग के मैदान में हर मोर्चे पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं भारत ने अब जाकर जंग के मैदान में महिला फौजियों की तैनाती को लेकर मन बनाया है। जाहिर है हालात सुधारने के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं को तेजी के साथ ढांचागत बदलाव करने होंगे। जवानों से अधिकारियों तक को व्यापक तौर पर महिलाओं के साथ कामकाज के लिए तैयार करना होगा। नौसेना के युद्ध पोतों में महिलाओं की रिहाइश के लिए अलग कैबिनों जैसी निर्माण की व्यवस्थाएं करनी होगी। महिलाओं के प्रमोशन और प्रोत्साहन के लिए नीतिगत माहौल रक्षा मंत्रालय को तैयार करना होगा। दरअसल बीते कुछ समय के दौरान देखा गया है कि महिलाएं सशस्त्र सेनाओं में आ तो जाती हैं, लेकिन उनमें से कम ही शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए निर्धारित 14 साल की सर्विस पूरी कर पाती है। ऐसे में महिलाओं को सही माहौल देकर अधिकारियों की किल्लत से जूझती भारतीय सेना अपने लिए नया टैलेंट पूल जुटा सकती है। प्रणय उपाध्याय,
दिल्ली IBN 7। खबरों में खास में मेरे साथ आज इतना ही, लेकिन IBN 7 पर खबरों का सिलसिला जारी है।